हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अभी हो रहे 5:31 और गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज नॉन स्टॉप मार ली, रुका नहीं बिल्कुल भी। अमेजिंग एक्सपीरियंस था और बॉडी एकदम रिलैक्स महसूस कर रही है। रनिंग करता टाइम यार सही होता है, कुछ पता नहीं लगता आपको। और स्वेटिंग देखो गाइस, बहुत कम है ये अभी, बट थोड़ा हो जाएंगे हम नॉर्मल। अभी पिछले हफ्ते तो खेले ही रनिंग ही नहीं की रही थी क्योंकि खेलता रहे क्रिकेट, तो मंडे से अब आज से स्टार्ट करिए। तो अब करते हैं एक्सरसाइज, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, सेटिंग पोजीशन में बैठ गए। अब हैंड्स को ऐसे करना है But I can't ignore the ache lying deep underground. You must have lost your way. Look around, look around. All we can do now is pray. Make it count. तो मेन एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये चीज स्ट्रेट रखनी है। सो गाइस, ये हमें 1 मिनट तक स्टॉप करके रखनी है, तब हमारे स्टंट्स कंप्लीट होंगे। क्योंकि ये जो हमारी कोर है इसको हमें टाइट करना है स्टंट्स के लिए। और इसको करने से पहले कम से कम मिनिमम आपने 20 पुशअप्स करने हैं और ये हैंड एक्सरसाइज। और बस फिर इसको आप ट्राई करें, धीरे धीरे करें। मैंने भी अभी स्टार्ट करी है, तभी अब मैं थोड़ी मेंटेन करूँगा कि एक मिनट से ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसको रेगुलर एक्सरसाइज में जोड़ना होगा अगर स्टंट्स में को क्लियर करने हैं और अपनी कोर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अब लगभग एक्सरसाइज हो चुकी है, अब घर चलते हैं। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के बाद। सो गाइस, एक्सरसाइज खत्म हो गई और अब बांग्लादेश में कल जो नहीं कर पाए वो आज करेंगे। क्योंकि उनके सिंगल टीम मेंबर बचा है और ये बढ़िया बढ़िया एक बंदा था गाइस। तो गाइस, थोड़ी बहुत कबड्डी भी हो गई। कबड्डी में अलग ही फीलिंग है। और वैसे हमारा, मैं तो सोचता हूँ अपने भारत देश का जो नेशनल स्पोर्ट्स है, अगर हॉकी की जगह कबड्डी होता तो सही होता। क्योंकि पर हॉकी भी सही है और कबड्डी भी सही है, दोनों चीज़ सही है। कबड्डी और क्रिकेट तो ये तो मेरे फेवरेट ही हैं। और अब थोड़े बहुत पुलअप्स कर लेते हैं। कबड्डी में ज़्यादा नहीं खेल पाया, उनको जाना था क्योंकि मेरे को भी लेट हो रहा था। तो मैं भी निकल रहा हूँ बस।
थोड़े बहुत पुलअप्स, अपना देसी जुगाड़। तो पेड़ पे तो पतली डाली है इसकी, ज़्यादा कोई लंबी भी नहीं है। ये देखो, ये आपको ये वाली डाली तो सही है। थोड़े बहुत पुलअप्स कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, एक्सरसाइज हो चुकी है और अमेजिंग फन रहा। एक्सरसाइज भी होगी और कबड्डी भी, तो दोनों चीज़ एक साथ कर ली। और ये देखो, तो भाई था कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे मतलब लोग मिलते रहेंगे। और गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक्सरसाइज करा करो अपनी लाइफ में, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क करते हो, एक्सरसाइज चाहे आप 24 घंटा क्यों नहीं काम करते, एक्सरसाइज चाहिए लाइफ में, एक्सरसाइज चाहिए अगर अपनी बॉडी को एकदम फिट रखना है। तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा भी निकाल लोगे अपनी बॉडी के लिए तो वो भी बहुत है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस प्लीज़, हाफ एन आवर बहुत होता है एक्सरसाइज के लिए, वो प्लीज़ निकाल लीजिए करें। और आमतौर पे स्किपिंग रोक आप हाथ में लेके घूमते हैं, तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो बैली डांसर बन रखा हूँ, तो अगर मेरे को बैली डांस आता मैं आपको ज़रूर दिखाता। और ये इस्कॉन अपने कृष्ण जी का मंदिर, तो थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो कृष्ण जी से ये बस यही उम्मीद है, कृष्ण जी बस लोगों में थोड़ी बहुत शक्ति देना कि वो अपने बॉडी को फिट रख सकें और अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ बना सकें, बस और कुछ नहीं गाइस। और सब मोह माया गाइस, और सब मोह माया, तो उन मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना। तो अब हो गई एक्सरसाइज, बॉडी एकदम टूट रही है, तो चलते हैं घर पे। आज तो कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया, आज मैं नॉन स्टॉप भागा था द्वारका मोड़ से, द्वारका मोड़ के रेड लाइट से और यहाँ सेक्टर 13 तक, कितना 1800 मीटर नॉन स्टॉप। तो चलते भी घर पे। सो गाइस, अभी घर आ गया था मैं और टोपी इसलिए पहन ली क्योंकि बाल थोड़े बेकार हो गए, बड़े बाल हैं यार, संभलते ही नहीं है, इतना भी इधर करूँ इधर ही जा रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं, बड़े ही रखने हैं, अभी कटवाने नहीं हैं। तो आज योग दिवस भी है, तो हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत योगा तो आपने भी किया होगा, जो मैंने ये हैंड एक्सरसाइज करी थी योगा का ही पार्ट है, तो आज हमारा योगा भी हो गया। तो एक एक स्टेप योगा का ज़रूर कीजिएगा आज के दिन, और हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। सो कीप योगा ग्रोइंग। और आज 7वां योगा दिवस है, तो 7 सालों से योगा दिवस चलता आ रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चालू किया था। तो कीप गोइंग, कीप डूइंग योगा और कीप हेल्दी। सो गाइज, अभी नहाते हैं और चलते हैं ऑफिस। सो गाइज, अभी लंच टाइमिंग है और इसलिए व्लॉग कर पा रहा हूँ मैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और धूप देख रहे हो गाइज कितनी तेज है, इसलिए अभी कोरोना तो है ही और धूप और मार डालेगी, तो बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। और ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे स्कूल जा रहा हूँ मैं दोबारा से, मेरे स्कूल ओपन हो गए हैं। देखो, ऐसे ही हम घर जा रहे होते थे, वो भी क्या दिन थे यार, बट वो भी सीन अलग था, अब ये भी सीन अलग है। तो वो भी लाइफ जी ली, अब ये लाइफ भी जी रहे हैं और इसको सर्वाइव भी कर जाएंगे। और रोड पे आ गए मैं, बस अब देखना है कहाँ जाऊँ लंच करने, क्योंकि पार्क देखना है बढ़िया सा। बालों की भी ऐसी तैसी हो रही है सही से, तो ये बस लंच टाइम है तभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। मैंने आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि ऐसे ही मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अपनी ड्रेस में। हाथ दर्द हो जाता है गाइस, धूप बहुत तेज है, पसीने वैसे निकल रहे हैं। और तो गाइस कोशिश करना कितनी भी तेज़ धूप हो बाहर का अवॉइड ही करना, ठंडा तो बिल्कुल नहीं लेना। तो ऐसे ही नॉर्मल वाटर पी लेना बस। तो गाइस
अब देखता हूँ मैं पार्क और लंच कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ घर पे। सो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका ऑफिस से और आज सही था दिन, तो थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं गया था अपना ऑमलेट का, तो ऑमलेट बना लेते हैं। हेल्दी हेल्दी गाइस, हेल्दी हेल्दी रहना, बस ज़्यादा कुछ नहीं खाना रात को। और मैं ये कोशिश करता हूँ 9 बजे से पहले, कुछ भी अगर भूख लगती है तो 9 बजे से पहले खा लूँ, या तो खाऊँ ना थोड़ा खीरा वीरा ये सब, खीरा ले लिया या कुछ फ्रूट्स ले लिया बस। तो एक बात बताओ यार, ये मैच होंगे नहीं होंगे यार, बहुत दिक्कत में डाल रखा है। तू कैसे ये देख, ये कैसे अभी, अरे इन लड़कियों को क्या पता हम लड़कों का मैच के बारे में। नहीं नहीं लाइट बंद कर, लाइट सही नहीं आ रही है वाली, दिक्कत दे रही है। नयन ये लाइट बंद कर, ये वो वाली चला दे, वो वाली। गाइस आपस में बहन भाई लगे रहते हैं हम सब, तो ये दोनों ज़्यादा ही बनते हैं अपने आप को, और मैं इनसे ज़्यादा बनता हूँ इन दोनों के सामने। तो मिडिल वाला यार बेस्ट होता है, तो अब सही है सही है। तो मैच नहीं हो रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा यार सही में यार। इंग्लैंड में एक तो मैच कर दिए, बारिश आती जा रही है बार बार, चौथा दिन हो गया अब तक रिजल्ट नहीं आया कुछ, जबकि कल हमें पता लगना चाहिए था कौन जीत रहा है कौन नहीं, या रिजल्ट आ चुका होता आज तो। यार मैच तो बोर कर रहा है मैच तो, भी 2 दिन बचे हैं, ये BCCI वालों ने एक रिजर्व डे रखा है टेस्ट के लिए, अब देखते हैं। आई होप, मेरे को लग रहा है ड्रॉ ही होगा, आप लोगों क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और अभी बना लेता हूँ क्योंकि थक गया मैं, बिल्कुल टायर्ड हूँ, पूरा पूरा टायर्ड हूँ, तो बनाता हूँ मैं। सो गाइस अभी हो गया पेट पूजा, हो गई थोड़ी, ऑमलेट खा लिया अपना, और तू जरूर बोल ले बीच में, तो कोई नहीं गाइस, ये बोलता रहता है ऐसे ही, तो सोचा ऐसे ही बैठे हैं। तो ये पागल कहता है कि एक गेम लूडो खेल ली जाते हैं, तो अच्छा। ये रहा, बोल अब बता क्या खेलना है, कौन जीतेगा बता। ऑब्वियस है यार, मैं ही जीतूंगा, और कौन जीतेगा? तू जीतेगा और क्या। अबे रहने दे, अबे जा, जीता भी है कभी मेरे से? बहुत बार। कब जीता है? पिछले बार तो जीता था। अरे मजाक कर रहा है गाइस, मजाक कर रहा है, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। तो अभी लूडो खेलते हैं। सो गाइस ये निकल चुका है लूडो, और धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो रहा है, ये अनबॉक्सिंग लूडो हो रही है। तो अबे ये तो बिजनेस है, बिजनेस है भाई ये तो। नहीं इसके पीछे होगी। अबे क्या है ये, लैडर, स्नेक एंड लैडर। अबे यार, अबे काट दिया हमारा। अबे लूडो कहाँ है? अबे इस पे तो लिखा हुआ है बिजनेस लूडो स्नेक, अब कहाँ पे है भाई? इसमें ही होगा कहीं ना कहीं। देख 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 जल्दी देख। अच्छा ये क्या है? अबे यार नेन क्या है यार तू, हट। चलो आगे गाइस, आखिरकार लूडो। अपनी गीटियाँ निकल चुकी है, और ये डब्बा सबसे बेस्ट है, ये जो उसका है खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, और ये सब बिजनेस का है, और ये भी गीटियाँ हमारे पास। तो अरे इसको तो रखना, ये घोड़े, ये घोड़े वाली गीटियाँ हमारे रखो, ये हम चेस नहीं खेल रहे अभी। अबे ये वाली सही रहती है, तो गाइस ये वाली सही रहती है, इसको क्या पता, जीतना तो मुझे है। तो भाई मेरी रेड है, तेरी कौन सी है? येलो ऑब्वियसली। तेरी येलो, हाँ हाँ ऑब्वियसली, अभी देखते तेरा ऑब्वियसली। तो सही लग रहा है यार, देख तू ये देखो डाइस भी कितना सही है। चल वैसे ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, अब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये 50 रुपये काट। हो गया, खुद ने ही ओवर एक्टिंग कर दी, 50 रुपये का एक्ट। कोई नहीं कोई नहीं, चल। सो गाइस फर्स्ट तो मैं ही चलता हूँ, लेडीज फर्स्ट। ज़्यादा मत बोल अभी, चल। तो क्या लाऊँ भांजे? पौवारा पौवारा लाऊँ। तो गाइस तीन,
चल भाई, दो आया, दो एक लिया, तीन दो एक। गाइस एक से खुलेगी? नहीं, एक से खुलती है, सिक्स है। सिक्स? अबे नहीं, एक से खुलती है भाई, मेरे मामा के वहाँ खुलती है, हम मामा के सिस्टम चला रहे भाई। अबे यार, छः से खुलेगी और एक से खुलेगी। तो गाइस दोनों अभी असमंजस में फंसे हुए हैं, दोनों की गीटियाँ नहीं आ रही है, वो नंबर ही नहीं आ रहे। दो, फिर दो, दो पाँच, छः, दो, खुल गई गाइस, खुल गई। दो, दो, तीन, तीन, एक, इसकी भी खुल गई गाइस। तो एक की बारी नहीं होती, ये एक मेरी भी खुल गई। फिर से एक ही आएगा क्या? अबे ये क्या हो रहा है? बड़ा एक एक आ रहा है। सो गाइज मेरी एक दो तीन चार, चारों खुल चुकी है, और इसकी एक दो तीन, तीन, तीन खुल गई तेरी? अभी काटता हूँ, रुक। छः, तो गाइस ये रूल तो आपको पता ही होगा, बिना काटे अंदर नहीं घुस सकते। यार मैंने क्या कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं। दो, दो आए, दो, एक दो तीन, कटी कटी कटी, एक पांच ही तो आया। चल तेरे पांच ही। सही कर लिया मैंने, बढ़ा लिया, अभी तो काट देता मेरी। कोई नहीं, अब काट देंगे। छः, चार, एक, क्या चक्कर है? पांच, रखी
चार वो पीछे थी ना, वैसे एक की बारी भी होती है यार। नहीं, होती है एक की बारी भाई, हम भूल गए यार। मेरे मामा के वहाँ होती है भाई एक की बारी। बोल तो ऐसे ना, मेरे मामा नहीं है। दीदी एक की बारी होती है ना, पता नहीं होती। मम्मी नहीं होती। होती है यार एक की बारी। चल यार राजा काटनी है मुझे। ये लूडो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर जीत के ही छोड़ेंगे। सॉरी सॉरी, थोड़ा लेम था पर सह लेना। हाथ से कर चीटिंग अबे यूं यूं के क्या, ये क्या कैमरे में हो रहा है, तूने क्या किया यूं गाइस ऐसे सेट किया नंबर, यूं यूं किया बस कैमरे में देख ले, झूठ बोल रहा है कैमरे में देख, तो कैमरे में क्या देखूंगा, ऑडियंस देख रही है उनको सब पता चल जाएगा भाई। चीटिंग कर रहा है तू रहने दे, तू चीटिंग कर रहा है, ये मैं मानूंगा नहीं। दोबारा चल, कुछ भी अच्छा दोबारा चल, की बगाई कट रही है हां, रख उसको चिकित्सा से, दोबारा चल दोबारा, उससे रुकी है मैंने नहीं रोकी। यार चीटिंग हो रहा है यार, हाँ चीटिंग साफ साफ कैमरे में हुआ है, चीटिंग करता है तू चीटिंग। सो गाइस रोमांचिक मोड पे मैच, और ये मेरी तीन बची हैं बस, और इसकी एक, तो मेरी तीन बची है और इसकी बस एक बची है। तो अबे यार एक ही आ गया, क्या लाना, तीन लाना यार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पांच क्या करूं गाइस, पांच से लाल हो जाऊं क्या, चलो रिस्क लेते हैं गाइस। एक आ गया गाइस, हो गया, मैं गया 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 गया, मैं तो गया, देखो मुस्कुराहट देखो। छह, अबे नहीं गया, बच गया। छह, दो दो, ओ हो, चार पांच छह, एक दो है, अब ये गया, एक दो तीन चार पांच, ये। सो गाइस बस अपन जीतने वाला है, देखते रहिएगा। नहीं तो बंद ही कर दी। देखा मैंने कहा था भाई मेरे साथ मत खेल, पांच से लाल, ये एक बस। सो गाइस अब मैं जीत गए, आई एम अ बॉर्न चैंपियन। डू यू नो, छह से खुली और पांच बढ़ा दें, पांच यहां बढ़ा दे, छे छे पांच है, और देखा नहीं यहाँ रख दे। आ गाइस, तो हाँ भाई लूजर बताओ कैसा लगा आपको। कोई नहीं कोई नहीं, बोल हार हार की थोड़ी इमोशनल स्पीच दे दे। नहीं देनी, हार जीत तो लगे रहती है, तो आपके भाई हैं। चलो गाइस अच्छा कंपटीशन था। गाइस ये थे हम, मैं मेरा भाई और हमारी लूडो की गेम। तो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और गाइस आज के लिए इतना रखते हैं बस। तो आज कुछ ज़्यादा था ही नहीं, मतलब ज़्यादा कहीं नहीं गया, तो पार्क ही दिखाई आपको, और वहाँ थोड़े बहुत मतलब समझ गए ना, तो वैसे गाइस तो आज के लिए इतना रखते हैं बस। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट डाउन बिलो गाइस। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।